विधानसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो इससे पूर्व भी उसको विघटित कर सकता है। प्रश्न 216। विधानसभा के सत्रावसान प्रोरोगेशन के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। अपवाद गोवा 40, मिजोरम 40, सिक्किम 32। इसे अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्यों की दर्जा देकर यह व्यवस्था किया गया है। विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त है, जो इसकी बैठकों का संचालन करता है। साधारणतया विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बढ़ जाए तो वो निर्णायक मत देता है। जब कभी अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, उस समय वो सदन की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। सदन के बैठकों के लिए सदन के कुल सदस्यों के 1/10 सदस्यों की उपस्थितियां गणपूर्ति हेतु आवश्यक है। विधानसभा के लिए अधिकार और कार्य। 1. विधि निर्माण। 1. इसे राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार प्राप्त है। 2. संवर्ती सूची। संवर्ती सूची से संबद्ध विषयों पर संसद की तरह राज्य विधानमंडल भी विधि निर्माण कर सकता है, किंतु यदि दोनों द्वारा निर्मित विधियों में परस्पर विरोध की सीमा तक संसदीय विधि वर्णनीय है। 2. वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया। 1. राज्य विधानमंडल राज्य सरकार के वित्तीय अवस्था को नियंत्रित करता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें शासन की आय और व्यय का विवरण रहता है। बजट वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है। 2. कोई धन विधेयक प्रारंभ में विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जब विधानसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देती है, तब वो विधानसभा परिषद के पास भेज दिया जाता है। विधान परिषद को 14 दिनों के भीतर विधानसभा को लौटाना पड़ता है। विधान परिषद उस विधेयक के संबंध में संस्तुतियां तो दे सकती है, किन्तु वो न तो उसे अस्वीकार कर सकती और न उसमें संशोधन ही कर सकती है। 3. विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के 14 दिनों के बाद विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझ लिया जाता है तथा राज्यपाल को उस पर अपनी सहमति देनी पड़ती है। 3. कार्यपालिका पर नियंत्रण। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। जब कभी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो समूची मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। 4. संवैधानिक संशोधन। संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला कोई संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, तो आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक है। 5. निर्वाचन संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्राप्त है, उतना ही राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को प्राप्त है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। साधारणतः वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। नोट: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के चुनाव पश्चात मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। पृष्ठ 217। मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचता है। जब कभी राज्यपाल कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहता है, तो वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही ये कार्य करता है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। 23. भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम। भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता अनुक्रम वारंट ऑफ प्रेसिडेंस इस प्रकार है। 1. राष्ट्रपति। 2. उपराष्ट्रपति। 3. प्रधानमंत्री। 4. राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में। 5. भूतपूर्व राष्ट्रपति। 5. का उप प्रधानमंत्री। 6. भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभाध्यक्ष। 7. केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में। योजना आयोग का उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री तथा संसद के विपक्ष का नेता। 7.
क भारत का रत्न सम्मान के धारक 8 राजदूत 9 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 9 क मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक 10 राज्यसभा का उपसभापति लोकसभा का उपाध्यक्ष योजना आयोग के सदस्य तथा केंद्र में राज्य मंत्री। भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता अनुक्रम में स्थान दिया गया है। नोट, मुख्य चुनाव आयुक्त श्री शेषन के आग्रह पर सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को 9 क की स्थिति प्रदान की है, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष दर्जा। ये संशोधन अगस्त 93 में किया गया। 24 केंद्र राज्य संबंध। भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है और संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा के संविधान में से लिया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूची दी गई है, 1 संघ सूची, 2 राज्य सूची और 3 समवर्ती सूची। संघ सूची। संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्रीय विधानपालिका अर्थात संसद को है। इस सूची में कुल 98 विषयों को शामिल किया गया है, जिनमें प्रमुख है रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, अणुशक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, डाक एवं तार प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल तथा वायु एवं जल परिवहन आदि। राज्य सूची। इसमें उन विषयों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिराज्य विधानमंडल को है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी कानून बना सकती है। इस सूची में शामिल विषयों की संख्या 62 है, जिनमें प्रमुख है लोक सेवा, कृषि, वन, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय एवं सिंचाई आदि। समवर्ती सूची। इसमें शामिल विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है और यदि दोनों कानूनों में विरोध है तो संसद द्वारा निर्मित कानून लागू होगा। इसमें 52 विषयों को शामिल किया गया है, उनमें प्रमुख है राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना। अवशिष्ट विधायी शक्ति। जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं शामिल किया गया है उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 249 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ये पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। पृष्ठ 218। संसद द्वारा इस प्रकार बनाया गया कानून एक वर्ष के लिए प्रवर्तनीय होता है, लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित कर इसे बार बार कई वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। राज्यों की सहमति से भी संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के समय भी संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है। संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत हैं निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेल, रिजर्व बैंक तथा शेयर बाजार। राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत हैं व्यक्ति कर, कृषि भूमि पर कर, संपदा शुल्क, भूमि एवं भवनों पर कर, पशुओं तथा नौकायान पर कर, विक्रय कर, वाहनों पर चुंगी। केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए मुख्यतः 4 आयोग गठित किए गए जो इस प्रकार हैं: प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय समिति एवं सरकारीय आयोग। सरकारीय आयोग का गठन 1983 में किया गया था, जिसने अपनी 1600 पृष्ठ वाली रिपोर्ट 1987 ईस्वी में केंद्र सरकार को सौंप दी। चीज अंतर्राज्यीय परिषद। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। पहली बार जून 1990 ईस्वी में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई, जिसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 ईस्वी को हुई थी। इसमें निम्न सदस्य होते हैं: प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्यों व संघ राज्यों क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक।
अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उनकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री करता है। परिषद की बैठक के लिए आवश्यक है कि कम से कम 10 सदस्य अवश्य उपस्थित हों। 26. योजना आयोग। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 27. राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का सचिव ही इसका सचिव होता है। भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। 28. वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) की द्वारा की जाता है। पृष्ठ 219। अब तक गठित वित्त आयोग। पहला वित्त आयोग। नियुक्ति वर्ष 1951 वर्ष ईस्वी, अध्यक्ष केसी नियोगी, अवधि 1952 से 1957 ईस्वी। दूसरा वित्त आयोग। नियुक्ति वर्ष 1956, अध्यक्ष के संथानाम, अवधि 1957 से 1962 ईस्वी। तीसरा वित्त आयोग। नियुक्ति वर्ष 1960 ईस्वी, अध्यक्ष ए के चंदा, अवधि 1962 से 1966 ईस्वी। चौथा वित्त आयोग। नियुक्ति वर्ष 1964 ईस्वी, अध्यक्ष डॉ पी वी राजमन्नार, अवधि 1966 से 1969 ईस्वी। पांचवा वित्त आयोग। नियुक्ति वर्ष 1968 ईस्वी, अध्यक्ष महावीर त्यागी, अवधि 1969 से 1979 ईस्वी। छठा वित्त आयोग। नियुक्ति वर्ष 1972 ईस्वी, अध्यक्ष प्री ब्रह्मानंद रेड्डी, अवधि 1974 से 1979 ईस्वी। सातवां वित्त आयोग। नियुक्ति वर्ष 1977 ईस्वी, अध्यक्ष जे पी सेलेट, अवधि 1979 से 1984 ईस्वी। आठवां वित्त आयोग। नियुक्ति वर्ष 1982 ईस्वी, अध्यक्ष वाई पी चौहान, अवधि 1985 से 1989 ईस्वी। नौवां वित्त आयोग। नियुक्ति वर्ष 1987 ईस्वी से अध्यक्ष एन के पी साल्वे, अवधि 1989 से 1995 ईस्वी। दसवां वित्त आयोग। नियुक्ति वर्ष 1992 ईस्वी, अध्यक्ष के सी पंत, अवधि 1995 से 2000 ईस्वी। ग्यारहवां वित्त आयोग। नियुक्ति वर्ष 1998 ईस्वी, अध्यक्ष प्रोफेसर ए एम खुसरो, अवधि 2000 से 2005 ईस्वी। बारहवां वित्त आयोग। नियुक्ति वर्ष 2003 ईस्वी, अध्यक्ष डॉ सी रंगराजन, अवधि 2005 से 2010 ईस्वी। तेरहवां वित्त आयोग। नियुक्ति वर्ष 2007 ईस्वी, अध्यक्ष डॉ विजय एल केलकर, अवधि 2010 से 2015 ईस्वी। 29. लोक सेवा आयोग। भारत में सन 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 ईस्वी में विधि आयोग ने सिफारिश की थी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। वर्तमान में इसकी संख्या 10 है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है। यदि वो 6 वर्षों के अंदर 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वो पद से मुक्त हो जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपालों द्वारा की जाती है, परन्तु इन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक होता है। इन दोनों में जो पहले पूरा होता है उसी के तहत वो अवकाश ग्रहण करते हैं, परंतु उन्हें कार्यकाल के बीच उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ निर्हरताओं होने पर संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति हटा सकते हैं। 30. निर्वाचन आयोग। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होगा। अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो तब तक रहता है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन 90,000 रूपये मासिक एवं भत्ते प्राप्त होंगे। पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था, परंतु अक्टूबर 1993 ईस्वी में 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। पृष्ठ 320। निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य: 1. चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन। 2. मतदाता सूचियों के को तैयार करवाना। 3. विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। 4. राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। 5. चुनाव करवाना। 6. राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान। 1. निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अर्थात इसका निर्माण संविधान ने किया है। 2. मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 3. मुख्य चुनाव आयुक्त महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। 4. मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान ही है। 5. नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। 6. मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत के संचित निधि में से दिया जाता है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राजनीतिक दल: भारतीय जनता पार्टी दल, चुनाव चिन्ह कमल; भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल, चुनाव चिन्ह पंजा; भारतीय साम्यवादी दल, चुनाव चिन्ह हसिया और बाली; राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, चुनाव चिन्ह घड़ी; बहुजन समाज पार्टी, हाथी असम को छोड़कर; मार्क्सवादी साम्यवादी दल, चुनाव चिन्ह हसिया, हथौड़ा एवं तारा। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें: ए. लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं चार अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होगा। बी. इसके अलावा इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होंगी, अथवा सी. लोकसभा में 2% सीटें हों और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हों। 24 मार्च 1999 ईस्वी को जारी अधिसूचना के अनुसार क्षेत्रीय दलों की संख्या 36 है। प्रमुख क्षेत्रीय दल एवं उनका चुनाव चिन्ह: तेलुगु देशम दल, चुनाव चिन्ह साइकिल, राज्य आंध्र प्रदेश; समाजवादी पार्टी, चुनाव चिन्ह साइकिल, राज्य उत्तर प्रदेश; असम गण परिषद, चुनाव चिन्ह हाथी, राज्य असम; झारखंड मुक्ति मोर्चा, चुनाव चिन्ह तीर कमान, राज्य झारखंड; लोक जनशक्ति पार्टी, चुनाव चिन्ह बंगला, राज्य बिहार; पैंथर्स पार्टी, चुनाव चिन्ह साइकिल, राज्य जम्मू कश्मीर; नेशनल कॉन्फ्रेंस, चुनाव चिन्ह हल, राज्य जम्मू कश्मीर; शिवसेना, चुनाव चिन्ह तीर कमान, राज्य महाराष्ट्र; मुस्लिम लीग, चुनाव चिन्ह सीढ़ी, राज्य केरल। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, चुनाव चिन्ह शेर, राज्य पश्चिम बंगाल; अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, चुनाव चिन्ह दो पत्ती, राज्य तमिलनाडु; महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, चुनाव चिन्ह शेर, राज्य गोवा; सिक्किम संग्राम परिषद, चुनाव चिन्ह हाथी, राज्य सिक्किम; द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, चुनाव चिन्ह उगता सूरज, राज्य तमिलनाडु पुदुचेरी; नागालैंड दल पीपुल्स कौंसिल, चुनाव चिन्ह मुर्गा, राज्य नागालैंड; अकाली दल बादल, चुनाव चिन्ह तीर कमान, राज्य पंजाब; जनता दल यू, चुनाव चिन्ह तीर, राज्य बिहार और झारखंड। नोट: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य केरल विधानसभा उपचुनाव अप्रैल 1982 था, तथा इस मशीन का प्रयोग करके पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा था। पृष्ठ 231। परिसीमन आयोग: संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा एवं राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनः समायोजन का कार्य संसद द्वारा विहित अधिकारी द्वारा किए जाएंगे का प्रावधान है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन कर परिसीमन पर वर्ष 2000 तक के लिए रोक लगा दी गई थी।
84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 और 173 की शर्तों में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार देश में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई वृद्धि अथवा कमी नहीं की जाएगी। परिसीमन आयोग 2002 का गठन 12 जुलाई 2002 को न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में किया गया तथा इस आयोग की सिफारिशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जनवरी 2008 को मंजूरी प्रदान की। नए परिसीमन इसे लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। नया परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। परिसीमन आयोग में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की निर्वाचन आयुक्त इस आयोग के सदस्य हैं। अब तक गठित 4 परिसीमन आयोग, 1 परिसीमन आयोग 1952, 2 परिसीमन आयोग 1962, 3 परिसीमन आयोग 1973, 4 परिसीमन आयोग 2002। नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीट जाति अनुसूचित जाति, वर्तमान में आरक्षित सीट 79, नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीट 85, अनुसूचित जनजाति वर्तमान में आरक्षित सीट 41, नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीट 48, अनारक्षित सीटों की संख्या वर्तमान में 410, नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीट डैश। नोट, वैसे राज्य जिनका परिसीमन आयोग 2002 के द्वारा परिसीमन नहीं हो सका, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं झारखंड, पूर्वोत्तर के चारों राज्यों में स्थानीय विरोध एवं अदालतों के स्थगन आदेश के कारण परिसीमन नहीं हो सका, जबकि झारखंड में सरकारी नीति के विपरीत आरक्षित सीटें कम होने के कारण ये परिसीमन पूरा नहीं हो सका। 32 राजभाषा। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा में से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 1955 ईस्वी में श्री बीजी खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग ने 1956 ईस्वी में अपना प्रतिवेदन दिया। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो इस प्रकार है: 1 असमिया, 2 बंगला, 3 गुजराती, 4 हिंदी, 5 कन्नड़, 6 कश्मीरी, 7 मलयालम, 8 मराठी, 9 उड़िया, 10 पंजाबी, 11 संस्कृत, 12 सिंधी, 13 तमिल, 14 तेलुगु, 15 उर्दू, 16 कोंकणी, 17 मणिपुरी, 18 नेपाली, 19 मैथिली, 20 संथाली, 21 डोगरी, 22 बोडो। नोट, 1 1967 ईस्वी में संविधान के 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 2 1992 ईस्वी में संविधान के 71वें संशोधन के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 3 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषाओं को जोड़ा गया है। पृष्ठ 222। राज्य की भाषा। संविधान के अनुच्छेद 345 के अधीन प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को ये अधिकार दिया गया है कि वो 8वीं अनुसूची में अंतर्विष्ट भाषाओं में से किसी एक या अधिक को सरकारी कार्यों के लिए राज्य की सरकारी भाषा के रूप में अंगीकार कर सकता है, किंतु राज्यों के परस्पर संबंधों में तथा संघ तथा राज्यों के परस्पर संबंधों में संघ की राजभाषा को ही प्राधिकृत भाषा माना जाएगा। उच्चतम और उच्च न्यायालयों तथा विधानमंडलों की भाषा। संविधान में प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद द्वारा कानून बनाकर अन्यथा प्रावधान ना किया जाए, तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी होगी और संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कानून अंग्रेजी में होंगे।